अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पोखरी टोला में जागरण भक्ति का आयोजन किया गया। इस दौरान नव दुर्गा उत्सव समिति ने क्षेत्र में रह रहे ऐसे लड़के लड़कियों जिनके अंदर प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, ठीक उन्हें बड़ा मंच देकर उन सब का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। आयोजित इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के करीब 200 लड़के लड़कियों ने भाग लिया, जिनको अपनी कला दिखाने के लिए नव दुर्गा उत्सव समिति पोखरी टोला के द्वारा एक बड़ा मंच प्रदान कर लोगों के बीच उनकी कलाओं को प्रस्तुत किया गया। आयोजन होने के बाद कमेटी के द्वारा कलाकारों को इनाम की राशि सहित गिफ्ट प्रदान किए गए हैं। नव दुर्गा उत्सव समिति के आयोजक विजय तिवारी ने बताया कि 15 वर्षों से लगातार माँ दुर्गा की प्रतिमा रखते आ रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्ति जागरण का प्रोग्राम रखा गया था। इस दौरान 100 से 200 बच्चों ने भाग लिया था। उनकी कला को हमने स्टेज में रखकर लोगों के बीच प्रस्तुत किए थे। उन्हें गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया गया और उनका मनोबल बढ़ाया गया है। बच्चे तो 100 थे, उसमें से 60 बच्चों को सिलेक्शन किया गया था कमेटी के द्वारा। 60 बच्चों ने डांस प्रस्तुति की, बाकी विशाल भक्ति जागरण का कार्यक्रम था, उसमें कलाकार बाहर से आए हुए थे, उन्होंने प्रस्तुति की।